सो गाइस, क्या कभी ऐसा हुआ है सेक्शन 143(1) की इंटीमेशन आपको आ जाती है, आपका रिफंड डिटरमिन कर दिया जाता है, वेरीफाई कर दिया जाता है, बट डिटरमिन करने के बाद वो रिफंड इशू नहीं करता ऑफिसर और इसे विद हेल्ड कर लेता है, रोक लेता है विदाउट एनी रीजन। तो इस केस को समझेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और एंड तक देखना। बट अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लो और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। सो गाइस, वी हैव अ न्यू अपडेट एज ऑन 10th August 2021। पार्टीज आपके सामने है और इसमें क्या बोला था, पेटिशनर जिनका रिफंड रोका था उन्होंने रिट पिटिशन फाइल की, रिफंड मांगा 20,14,56,936 रुपए का फ्रॉम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। क्यों अपील की थी, क्यों पिटिशन फाइल की थी, बिकॉज रिस्पोंडेंट ने, डिपार्टमेंट ने विद हेल्ड कर लिया था, रिफंड को रोक लिया था, जो कि डिटर्मिन किया था सेक्शन 143(1) में एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 244A। ये हम बात कर रहे हैं कौन से असेसमेंट ईयर की, 18-19 की, क्योंकि ये केस लगा था। पिटिशनर ने बोला, पिटिशनर कंटेंडेड दैट द रिस्पोंडेंट विद हेल्ड द रिफंड, डिपार्टमेंट ने रिफंड को रोक लिया एज पर सेक्शन 241A ऑफ द IT एक्ट। बट सेक्शन में क्या लिखा है कि अगर डिपार्टमेंट को कोई रिफंड रोकना है, इन ऑर्डर टू इन्वोक दिस प्रोविजन डिपार्टमेंट को ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा, रीजन बताने पड़ेंगे कि रिफंड को वो क्यों रोक रहा है, ऐसा क्या हुआ है कि जो लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है डिपार्टमेंट की रेवेन्यू को, जैसा कि डिपार्टमेंट ने नहीं किया, ये बताया ही नहीं। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ कलकत्ता ने क्या बोला, रिलाइंग ऑन द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द जजमेंट ऑफ दिस, जो आपके सामने है, जिसमें क्या लिखा था कि अगर कुछ लॉ में लिखा हुआ है कि कुछ भी करने से पहले पर्टिकुलर अथॉरिटी को यह रेफरेंस फॉर्म करना पड़ेगा, और अगर वो अथॉरिटी उस रेफरेंस को फॉर्म नहीं करती है तो उनके एक्ट को वैलिड नहीं माना जा सकता। क्या लिखा है, विच प्रोवाइडेड दैट इफ अ स्टेट टू प्रोवाइड एन एक्ट टू बी डन बाय अ पर्टिकुलर अथॉरिटी एंड इन अ पर्टिकुलर मैनर, लिखा हुआ है कि इस मैनर में होना चाहिए था, इट शुड ओनली बी डन बाय दैट अथॉरिटी, उसी अथॉरिटी को करना है जिसके बारे में लिखा हुआ है और उसी मैनर में जैसा लिखा हुआ है, या तो नॉट एट ऑल, या तो हो ही ना वो काम। नोटेड दैट जो रिस्पोंडेंट है उनने कोई काम ही नहीं किया और विद होल्ड कर लिया रिफंड को विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, सो एट द एंड डायरेक्ट किया रिस्पोंडेंट को टू रिफंड द अमाउंट ऑफ रुपीज इतने विद इन अ पीरियड ऑफ 4 weeks फ्रॉम डेट अलोंग विद इंटरेस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ IT एक्ट, कि आपने जो भी अमाउंट को विद होल्ड किया था और रीजन नहीं बताए आप उसका रिफंड दो। तो आप इस केस का रेफरेंस अपने क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हो। वीडियो में कुछ भी चला तो लाइक करके शेयर कर देना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।